हाय गाइस, आप लोगों का फिर से वेलकम है एक और नए वीडियो में, मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों के पास है ये एक डिजिटेक का ट्राइपॉड जिसका नाम है डिजिटेक DTR 480 LW। इसके बारे में आज जानेंगे कि ये कौन सा काम करता है, मतलब कौन कौन सा काम कर सकता है, क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग होगा या शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, और इसको खोल के देखेंगे इसमें कितना सारा फंक्शन दिया हुआ है। जैसे ये इससे ये होता है, फिर इसको खोलने पे ये होता है, तो पूरा का पूरा आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे गाइस। और जितना खुल सकता है जुटने लायक, मतलब ये बहुत बढ़िया है तो इसको बहुत ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं, तो जितना जुटने लायक खुलेगा उतना खोल के भी इसको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये इस तरह से ऐसे ओपन होता है, ये एक और ऐसे होता है, और ये दोनों नीचे इस तरह से ये लंबा हो जाता है, इतना लंबा ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये पूरा गिरा के फिर इसको ऐसे लगा देना होता है। सिंपली आवाज़ थोड़ा सा करेगा, उससे ये नहीं देखना है कि टूट गया, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, इसको खुल के और नीचे जाता है, उसके बाद लग जाता है। तीनों में ऐसे होता है, दो हो गया है और तीसरा ये नीचे गिरा, और फिर ये इस तरह से लग जाता है, ठीक है। और लंबाई इसका बहुत है, शुरू में जब हम खरीदे थे तो हमको लगा था कि उतना लंबा नहीं होगा, लेकिन लंबा सफिशियंट होता है। और ये जो दिया हुआ है, ये किस लिए दिया हुआ है पता है? क्योंकि ये और लंबा नहीं हो, जैसे ये अंदर गया फिर इसको बाहर पे ऐसे किए, ये और आगे तक ना बढ़े, इसलिए ये वाला दिया हुआ है। और यहाँ पे एक रड दिया हुआ है, और ऊपर चलो, ये यहाँ पे ये एक जो है, इसको ऐसे अगर खोल के ऊपर करके इसको फिर इसको ऐसे लगा देंगे, ये देखिए इतना बड़ा हो गया, बस इतना लेंथ सफिशियंट होता है इसमें। गाइज ये जो इतना पोर्शन है इसमें ढेर सारा चीज़ छुपा हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ये दिखाने के लिए ऊपर किए थे, तो फिर से यहाँ से इसे खोल के ये नीचे चला जाता है, जहाँ पे आपको रोकना है यहाँ पे रोक के फिर इसको कस दीजिए। ये देखिए अब इतना भी रुक गया, नीचे नहीं जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे खुलता है। गाइज ये वाला जो है दो तरीके से लगता है, ठीक है। ये एक ठो यहाँ से लगता है, एक ठो यहाँ से लगता है, दोनों से लगा के दिखाते हैं। पहले यहाँ से लगाते हैं, मतलब ये तो वही वाला था जहाँ से खोले थे, तो ये एक इस तरह से लग जाता है, फिर इसको खोलते हैं। और गाइज दूसरा है यहाँ से लगाते हैं, ये दिया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए, और ये ऐसे हो गया। और गाइज और एक चीज़ और दिखाते हैं, नज़दीक लाओ, इसको ऐसे स्लाइड करने पर ऐसे करके ये निकल जाता है गाइज, ये ऐसे निकल जाता है। लगेगा कभी कि ये कभी ढीला हो सकता है, तो वैसा नहीं होता है गाइज। देखिए जैसे ये भी पीछे से ढीला है, इसको इधर से हम कस सकते हैं, मतलब इधर से कस आता है, ढीला अगर होगा तो ऐसा स्क्रू होगा आपके पास, यहाँ से कस आ जाएगा। इसमें जो ये दिया हुआ है इससे ये होता है ऐसे ऐसे, और गाइज ये पूरा खुल जाता है, अगर हम चाहेंगे तो इसको हम पूरा खोल सकते हैं। ये अंदर में ये जो कुछ कॉपर का दिख रहा है उसी में वो नट जाके लग जाता है, जिसको हम अभी लगाते हैं, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, वो ज़्यादा अंदर हो जा रहा है। और गाइज ये जो है ये जो है इससे ये रोटेट होता है, कि फ़ोन को आप 360 डिग्री किसी तरह से भी नचा सकते हैं। ये कसा जाने के बाद ये इस तरह से नहीं हिलेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, और ढीला करके इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और गाइज इसको भी अगर ढीला कर दिए तो इसको हम जैसे मन तैसे कर सकते हैं, ये देखिए जिस तरह से हमको मन करेगा वैसे करेंगे। उसके बाद इसको पूरा कर देते हैं, इसको भी पूरा कर देते हैं। और गाइज यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है इसको ये ऊपर और नीचे करना, बस इसको ऊपर नीचे करना। ये इस तरह से रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वीडियो बनेगा अपना, और इसको फिर इसको ऐसे कर देंगे तो ये वर्टिकल वीडियो। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन माउंट है, पता कैसे चलेगा कि अपना फ़ोन जो है वो हॉरिजॉन्टल बढ़िया से और वर्टिकल पूरा वर्टिकल है कि नहीं, वो ये बताता है ये हरा में एक तो बबल है, वो बबल इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बबल अभी बीच में है तो समझिए फ़ोन अगर रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल होगा या पूरा वर्टिकल होगा, इस साइड में गया तो बबल इस साइड में आ गया। अगर इस तरह से आपका फ़ोन माउंट है तो इसको निकालने का बहुत बढ़िया तरीका होता है कि ये ऐसे ऊपर में जाता है ना, तो अपना फ़ोन को पकड़ के ऊपर की ओर करके और इसको इस तरह से कर देते। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना फ़ोन तोड़ देते हैं या इसको तोड़ देते हैं सिर्फ निकालने के चक्कर में। तीन लेयर टोटल, एक तो ये है, फिर इससे छोटा सा है, फिर इससे और छोटा है, 5 से 6 फीट के आसपास में पूरा ऊपर चला जाता है, जो कि सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ गाइस, तो अंदर में ये पूरा होल होता है, अंदर में खाली होता है, भरा हुआ नहीं होता, इसीलिए भारी भी नहीं होता है। तो एक खोल के दिखा दिए, बाकी सब खोलना इज नॉट नेसेसरी। गाइज वीडियो का वॉइस पूरा ऊपर नीचे हो रहा था, वीडियो आगे चल रहा था, वॉइस पीछे चल रहा था, तो इसको वापस से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।